नमस्कार आज हम एक ऐसे जॉब के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ जिसका सैलरी से तो आप बिल्कुल देख चुके हैं सब समझ में ठीक है तभी आपने क्लिक किया है और साथ ही साथ ये भी है कि इस एग्जाम में कोई भी मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है हाँ आप देख चुके हैं यहाँ पे वो जॉब का नाम बताऊंगी इसकी इतनी पॉपुलरिटी क्यों नहीं है कोई इसके बारे में इतना जिक्र क्यों नहीं करता और सबसे अच्छी बात यहाँ कॉम्पिटिशन भी बहुत कम है ये कोई ऐसी जॉब नहीं है ऑब्वियसली से से कंडक्ट करवाता है तो बहुत ही अच्छी जॉब है सैलरी पैकेज के बारे में बात करेंगे कितना रहता है कितना रहता है हर चीज बताएंगे किस किस ग्रेड के हिसाब से होती है क्या एज रहने वाली है ठीक है क्या एप्लीकेशन फी होने वाली है और कुछ स्ट्रेटेजी कब तक तैयारी कर सकते हैं जो भी आपके ओवरऑल जो होता है ना कि इस वीडियो को बनाने का ये है कि अच्छा खासा टाइम है आपको तो ऐसी जॉब बता दी जाए कि अगर कोई ऐसा है जिसके पास टाइम देने का समय है ऐसा है कि वो टाइम दे सकता है तो वो इस जॉब की प्रिपरेशन कर सकता है और बहुत ही अच्छी जॉब है ये ठीक है तो बस आज की जो ये वीडियो रहने वाली है इसमें यही सारी चीजें आपको डिस्कस की जाएंगी आपके साथ और बताया जाएगा कि क्या क्या चीजें रहने वाली है यहाँ पे

ये लॉन्ग टर्म में आने वाली है देखिए यहां पे आपको मेंशन किया है मैंने, एप्लीकेशन जो होंगे, शुरू हो जाएंगे 16 जुलाई को ठीक है अभी तो बिल्कुल जैन ही शुरू हुआ है और ये 16 जुलाई को इसके एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे उसके बाद आपकी एप्लीकेशन क्लोज होने की जो डेट है वो है फोर्टीन

और इसमें कॉम्पिटिशन भी कम है ठीक है वो भी बात करते हैं ठीक है कुछ चीजें अभी देख लीजिए जैसे कि इसकी एज क्या रहने वाली होती है ये जो एग्जाम होता है ना ये एग्जाम जो होता है ये दो ग्रेड पे कंडक्ट किया जाता है एक होता है ग्रेड डी एक होता है ग्रेड सी ठीक है दोनों को ये अलग अलग कहते हैं अभी टाइम के साथ बात करते करते देखते हैं क्या होता है ठीक है एज की बात करें तो मिनिमम तो आपकी एटीन ईयर्स होती है और मैक्सिमम क्या है अगर आप ग्रेड डी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप ट्वेंटी सेवन ईयर्स के ही के अंदर आप होने चाहिए और ग्रेड सी के लिए थर्टी अप्लाई कर सकते हैं तो उनको कोई भी फी अप्लाई नहीं करनी है कोई फी नहीं देनी है और अगर वीमेन भी हैं तब भी उन्हें कोई भी फी नहीं देनी है ठीक है एलिजिबिलिटी की बात करें तो पहली एलिजिबिलिटी है कि आप ट्वेल्थ पास होने चाहिए आप 12th पास होने चाहिए तो आप इस एग्जाम को भर सकते हैं ठीक है 12th बेस एग्जामिनेशन होता है और शॉर्ट हैंड या स्टेनोग्राफी ये चीज है जो कि आपको अभी आगे चल के समझाई जाएगी क्या है क्या है कि एक तरह का स्किल होती है शॉर्ट हैंड बोलते हैं इसको या फिर स्टेनोग्राफी दोनों ही तरीके से बोल सकते हैं इसको सीखना होता है इस एग्जाम के लिए जो इसको सीख जाएगा ये जॉब उसके नाम होगी नहीं तो बाहर रह जाओगे ठीक है है तो सबसे मेन चीज जो इसकी ना शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी दोनों एक ही चीज है ठीक है अलग अलग चीज नहीं है ठीक है दोनों को बोलने का तरीका अलग है शॉर्ट हैंड मतलब क्या है जैसे कि इसमें ना अलग तरह की कोड्स की वजह से लिखा जाता है ठीक है जैसे कि मैं पूरे एक लाइन बोल दी जाए है ना अगर मैं एक बड़ी सी लाइन बोल दू तो उसको हम हिंदी में टाइप करेंगे टाइप करेंगे बोलूंगे फिर लिखेंगे तो इंग्लिश में लिखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा एक्जैक्टली exactly अगर कोई मैं, जैसे मैं बोल रही हूँ आपको बोलो कि टाइप लिख के दिखा दो मुझे आप उस स्पीड में नहीं लिख पाएंगे जिस स्पीड में मैं बोल रही हूँ शॉर्ट हैंड क्या होता है उसको बहुत अलग से अक्षर को मतलब बहुत बड़े को एकदम छोटे से ऐसे घुमा के वो हो जाता है तो इसके लिए बहुत टाइम लगता है वो भी समझाऊंगे कितना लगता है बस जान लीजिए तो अगर आप ट्वेल्थ पास हैं और शॉर्ट हैंड आपको आती है तो आप इसके लिए आराम से इस जॉब को ले सकते हैं भरने के लिए तो देखो जिसको नहीं आते वो ही भरते हैं आपको एक एवरेज बताऊं तो हर साल इस एग्जाम को चार से पांच लोग चार पांच लाख जो होते हैं वो इस एग्जाम को फिल करते हैं ठीक है इस एग्जाम को फिल करते हैं बट वो इसलिए कर देते हैं क्योंकि उसका जो पैटर्न है वो उसको भर सकते हैं वो जो रिटर्न एग्जाम होता है या फिर ये कहा टी जो होता है जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है वो उसको क्लियर तो कर लेते हैं बट आगे नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनको स्टेनोग्राफी नहीं आती है तो उसके लिए आपको स्टेनोग्राफी सीखना अनिवार्य है तभी जाके ये जो जॉब है इसको आप पा पाएंगे ठीक है ये चीज समझ आई आपको एग्जाम पैटर्न की बात कर एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं देखिए तीन तरह के आपका होता है पार्ट वन टू थ्री तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है ये एक ही दिन है सब कुछ अलग अलग कुछ नहीं है ठीक है आपका रीजनिंग है जीके जीएस है देन आपका इंग्लिश है यहाँ क्वेश्चन देखिए रीजनिंग के आपके फिफ्टी क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के आपके फिफ्टी क्वेश्चन आते हैं एंड इंग्लिश का बेटे जो आप देख पा रहे हैं वो है हंड्रेड क्वेश्चंस का हर एक क्वेश्चन एक मार्क्स का है मतलब फिफ्टी तो फिफ्टी 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 हंड्रेड 100. मतलब कुल जो आपका पूरा पेपर रहने वाला है वो आपका 200 मार्क्स का रहने वाला है और 200 मार्क्स के हिसाब से ही आपकी कट ऑफ आती है ठीक है ठीक और कट ऑफ आएगी तभी जाके आप जो नेक्स्ट होता है जिसको बोलते हैं स्किल टेस्ट कहते हैं या शॉर्ट हेंड का जो आपका टेस्ट लिया जाता है उसमें आप बैठाए जाते हैं तो ये आपका रहता है अगर हम बात करें कितने घंटे में हमें करना होता है तो आपको दो आवर्स का टाइम प्रोवाइड किया जाता है इस एग्जाम को करने के लिए ठीक है दूसरी चीज क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है जी हां इसमें नेगेटिव मार्किंग है जीरो पॉइंट थ्री थ्री मार्क्स मतलब की तीन क्वेश्चन आप गलत करते हैं मार्क कर रहे हैं ना तीन क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो उसमें से आपका पूरा तीनों का मिला के एक नंबर काटा जाएगा ठीक है तो वन बाय थ्री की इसकी नेगेटिव मार्किंग है इतना नहीं समझ पा रहे तो बस ना जान लीजिए कि अगर मैं एक क्वेश्चन गलत करूंगा अगर मैं एक क्वेश्चन सही करूंगा तो मुझे एक मार्क्स मिलेगा बट अगर मैं उसे क्वेश्चन को गलत कर दूंगा तो मेरे जीरो मार्क्स काट लिए जाएगा जो चैप्टर्स हो गए एडवांस मैथ के जो चैप्टर्स हो गए आप उनका उसके बाद आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं वो चीजें आपका मैथ्स में इतनी स्पीड में वो चीजें नहीं कर पाते हैं तो आप जाके आप रीजनिंग की तरफ जा सकते हैं एज कंपेयर टूवी रीजनिंग जो होती है वो मैथ से ईजी होती है बाकी अगर हम कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जैसे नंबर वाला जो खेल होता है वहां पे आप तब तो भी फंस जाएंगे और बाकी जो रीजनिंग की चीज है वो आप कवर आराम से कर सकते हैं ठीक है तो ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जिनको मैथ से काफी डर रहता है और वो चाहते हैं कि वो एसएससी के एग्जाम में बैठे और ऐसी ही जॉब दें जहां पे अच्छे एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पाना चाहते तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज है बस शर्त यही रहेगी कि आपको शॉर्ट हैंड सीखना सारे बच्चे के बच्चे जो भी स्टूडेंट जो भी कैंडिडेट भरते हैं ना वो सारे बाहर निकल जाते हैं बिकॉज वो एग्जाम को देख के बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि मैं सीख लूंगा शॉर्ट देखा होगा ना आपने देखा होगा वो एग्जाम होता है जिसमें टाइपिंग प्रोवाइड होती है तो लोग क्या करते हैं एग्जाम भर देते हैं फिर सोचते हैं जब एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मैं टाइपिंग के प्रैक्टिस कर लूंगा और पहुंच जाऊंगा टाइपिंग तब भी आपकी एक दो महीने में सीखी जा सकती है शॉर्ट हैंड आपकी एक दो महीने में नहीं सीखी जा सकती ठीक है इस चीज को ध्यान में रखे मेरा कोई भी ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं आपको गुमराह कर दू कि भर 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 दो 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 और आपको आता नहीं है तो फिर आप निराश बैठेंगे उम्मीद में रहेंगे वो चीज मैं नहीं चाहती हूँ बात करूंगी क्या होता है कितना नहीं होता है अभी इसके बाद जाइए समझा देती हूँ उसके बाद ये भी समझाऊंगी कितना टाइम आपको शॉर्ट हेंड सीखने में लगेगा कितनी स्पीड बनाने में लगेगा ठीक है उसकी बात भी करेंगे कट ऑफ जो मैं आपको बता दू वो आपके टू हंड्रेड मार्क्स आती जिक्र हो गया इसका मैंने आपको बोला कि ग्रेड के हिसाब से होता है एक ग्रेड सी एक ग्रेड डी ग्रेड डी की जो जॉब होती है उसमें आपका जो शॉर्ट हैंड होती है उसको कम मांगा जाता है मतलब स्पीड का हिसाब होता है स्पीड का हिसाब होता है ना वो कम मांगा जाता है पर ग्रेट सी में शॉर्ट हैंड हैं की स्पीड तेज मांगी जाती है क्योंकि इसमें सैलरी भी सबसे ज्यादा अच्छी है ग्रेट सी की सैलरी आपकी ज्यादा अच्छी है ग्रेट डी से ऐसा नहीं है कि ग्रेट डी की बहुत कम है अभी बात करेंगे सैलरी की भी बात करेंगे चिंता मत कीजिए अभी पूरा आपको दिखाऊंगी बना के कि क्या है कितना है कितनी मिलती है क्या उसका अच्छा है हर चीज आपको एक्सप्लेन की जाएगी ठीक है बस आपके अंदाजे के लिए बता रही हूँ कि अगर आप ग्रेड डी की सोच रहे हैं तो आपको वहां पे जो आपका शॉर्ट हैंड की स्पीड है वो कम मांगी जाएगी ठीक है और सैलरी भी ऑब्वियसली कम होगी बट अगर आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड बहुत ज्यादा है तो फिर आप तो फिर डिजर्व करते हो ना इतनी ज्यादा अच्छी सैलरी है ना चल अब रिजोल्यूशन ऑफ टाई हमने सारी बात अभी कर लेते ताकि आप बाद में एक एग्जाम को पूरा समझ ले पहली चीज कि आपने ये लाइन सुनी होगी या फिर आप मेरे चैनल से पहले भी जुड़े हुए तो ये लाइन मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि एग्जाम के लिए पढ़ने के पहले हमें एग्जाम को पढ़ना होता है है ना तो पहले एग्जाम को पढ़ लीजिए कि क्या पूछा जाता है कैसे पूछा जाता है अगर ये हो जाएगा तो किस कंडीशन में चुना जाएगा हमको ये चीज रिजोल्यूशन ऑफ टाई रिजोल्यूशन ऑफ टाई का मतलब ये होता है कि ऐसा तो हो सकता है बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि दो ऐसे कैंडिडेट हो जिनके इसके अंदर सेम मार्क्स आ जाए हो सकता है बिल्कुल तो उसे किस बेसिस पे सेम मार्क्स उसे किस बेसिस पे रखा जाएगा और किसको बाहर करा जाएगा तो उसका ये क्राइटेरिया रहता है कि देखा जाएगा कि मार्क्स पार्ट वन में पार्ट वन मतलब कि रीजनिंग में रीजनिंग में उस कैंडिडेट के किसके ज्यादा मार्क्स है देखो दोनों के नंबर बराबर बराबर आ गए लेट सपोज 200 का है तो हमने 150 मान लिया कि दोनों के नंबर 150 150 आ गए अब चेक किया जाएगा कि टाई हो गया ये तो टाई हो गया ना दोनों के ही 150 आ गए तो ऐसे केस में देखा जाएगा कि उसके पार्ट वन में कितने मार्क्स हैं पार्ट वन बोले तो रीजनिंग तो ये चीज आपको बतानी इसलिए जरूरत है कि आपको पता चले कि मुझे इन तीनों में से सबसे ज्यादा मेहनत किस पे करनी है कि अगर मैं टाई वाले केस में फर्स्ट पे जाऊं तो मेरे को मार्क्स उसमें निकालने वाला कौन होगा ठीक है तो रीजनिंग में आपका ज्यादा मेहनत आपको करने की जरूरत है टाई के केस में अब सोचिए कि अगर आपका रीजनिंग में जो मार्क्स है वो भी बराबर हो ये पॉसिबिलिटी कम होती है बट मान लीजिए कि बराबर हो तो आपका पार्ट सेकंड चेक किया जाएगा मतलब कि जीके जीएस चेक कर मतलब आपको रीजनिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है उसके बाद जीके जीएस उसके बाद इंग्लिश बहुत लोग ये सोचेंगे कि हमारा इंग्लिश बहुत अच्छा है तो हम इंग्लिश में ज्यादा नंबर ले आएंगे बाकी में नीचे रह जाएंगे तो देखो टाई के टाइम पे नीचे रह जाओगे फिर

छोटी रहती है आप खुद समझ सकते हैं कि, कि कोई कैंडिडेट जिसका टाई हो गया है उसके रीजन में भी सेम मार्क्स कैसे हो सकते हैं जीके जीएस में भी सेम मार्क्स कैसे हो सकते हैं तो वो आगे देखिए बताना जरूरी है आपको हर चीज बतानी है मुझे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक की जाएगी डेट ऑफ बर्थ मतलब की जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसको रख लिया जाएगा और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को सबसे नीचे रखा जाता है पहले बात ना इसी चीज़ की होती है कि वो कितना काबिल है वो पढ़ाई में कितना अच्छा है ये नहीं हर कोई कहता ना कि मेरा जो लेटर है जैसे कि मेरा के है मैं कशिश नाम है मेरा तो मेरा के है तो मैं बहुत पीछे हूँ अल्फाबेट में ए बी सी डी में नहीं आ रही हूँ तो वहां पर केस बहुत पीछे बनता है देखिए ना आपका फोर्थ में ये तीनों कंडीशन हो होगी उसके बाद मेरा अल्फाबेट चेक किया जाएगा तो इन चीजों का भी ध्यान रखना होता है ठीक है तो आप ज्यादा फोकस इसी हिसाब से करिए कि अगर टाई होगा तो मेरे पार्ट वन के मार्क्स चेक किए जाएंगे अगर उसमें मेरा सेम होगा किसी से तो मेरे पार्ट टू के चेक किए जाएंगे तो ये सारी चीजें आपकी कंडीशन रहती है यहां तक का क्लियर हुआ क्लियर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं सब्र करो वीडियो के एंड तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ठीक है फिर भी अगर क्लियर नहीं होगा तो आप बिल्कुल डाउट छोड़िए कमेंट खुला हुआ है बंद नहीं है डाउट छोड़िए मुझे लगेगा इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए तो बिल्कुल उसके ऊपर वीडियो बना दी जाएगी ठीक है चलिए सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर ले आप पहले तो आपका टायर वन होता है टायर वन में आपका यही जो आपका ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है मतलब आपका कंप्यूटर के ऊपर ये एग्जाम होता है दो घंटे का जो होता है यहाँ पे ये होता है दो सौ मार्क्स का तो सबसे पहले आपका ये होगा उसके बाद क्या होगा आपकी कट ऑफ निकाली जाएगी पॉइंट ये आता है कि मैम कट ऑफ जो होगी वो ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए अलग अलग आएगी जी हाँ बिल्कुल ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए जो कट ऑफ आती है वो बिल्कुल अलग आती है ग्रेड सी की कट ऑफ आपकी ज्यादा जाती है

जो कट ऑफ होता है यहाँ पे कम जाता है बट हाँ बाद में जब आपका लास्ट स्टेज आता है ना फाइनल कट ऑफ जो निकलती है उसमें थोड़ा बहुत बढ़ सकता है बट पॉइंट यही है कि आपको शॉर्ट हेड आना चाहिए यहाँ पे लोग इसलिए बाहर नहीं होते हैं कि उनको इसमें मार्क्स नहीं निकल पाते कट ऑफ में रह जाते हैं बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि उनको शॉर्ट हैंड नहीं आता तो चीज यही है कि आपको शॉर्ट हैंड सीखनी है वो बताऊ कैसे सीखना है यहाँ बात करते हैं तो आपका टायर वन होगा जो आपका दो मार्क्स का होगा उससे आपकी कट ऑफ आएगी आपकी दो कट ऑफ निकलेगी एक ग्रेड सी के लिए एक ग्रेड डी के ठीक है आप दोनों को एक साथ आप बोलेंगे कि मैम एक ही कर सकता हूँ क्या क्या मैं ग्रेड सी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ डी के लिए अप्लाई कर सकता ऐसा नहीं है, आप दोनों में भी कर सकते हैं अगर आपने दोनों के कट ऑफ क्लियर कर दी तो आप दोनों में भी पेपर दे सकते हैं उसके बाद जब आपकी कट ऑफ निकल जाती है उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है जो कि आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा ठीक है स्टेनोग्राफी उसमें देखी जाती है अब मैं आपको कहूं कि आप बोले कि मुझे अंदाजा दे दीजिए मैम कि अगर मेरा टायर वन के अंदर नवंबर में हो रहा है ठीक है अक्टूबर नवंबर में मेरा पेपर हो रहा है जो सीबीटी है मेरा अक्टूबर नवंबर में हो रहा है तो मेरा स्किल टेस्ट कब तक होगा जो 2023 का निकला था ना स्टेनोग्राफर का उसके जो स्किल टेस्ट है वो अभी चल रहे हैं जनवरी के महीने में चल रहे हैं तो ये मानिए कि अभी जनवरी चल रहा है और अगली जनवरी जनवरी 2025 में जाके आप स्किल टेस्ट देंगे मतलब आपके पास पूरा कंप्लीट एक साल है देखो सोच समझ के वीडियो बनाती हूँ पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी ये नहीं है कि आपका निकल रहा है सोचिए फॉर्म निकलेगा जुलाई में मैं आपको इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो प्रोवाइड करूं मई में प्रोवाइड कर दो बोलो कर लो हो जाएगा अरे नहीं होगा शॉर्ट एंड मजाक चीज नहीं है इसीलिए तो यहाँ पे इतने लोग जो है वो फॉर्म फिल नहीं करते क्योंकि उनको पता नहीं होगा और जो करते भी है उसमें से बहुत कमी निकल पाते क्योंकि उनको शॉर्ट हैंड नहीं आती है ठीक है तो शॉर्ट हैंड का खेल है यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा अच्छा एक और क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में कि जो स्किल टेस्ट होगा अगर मैं ग्रेड ग्रेड सी और डी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो दोनों का एक ही दिन होगा क्या मैं कैसे दूंगा ऐसा नहीं होता है ग्रेड सी के लिए अप्लाई करा तो अलग दिन होगा ग्रेड डी के लिए अप्लाई करे तो अलग होगा ऐसा भी हो सकता है एक ही इंसान दोनों के लिए अप्लाई कर रहा हो तो वो अलग अलग दिन जाएगा और देख के आएगा अभी इसके देखो यहीं पे अगर स्किल टेस्ट डाल दूंगी ना तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी किस तरह का होता है कितना मांगा जाता है बस इतना जान लीजिए शॉर्ट हैंड मांगी जाती है उसके बाद थोड़ी बहुत हम अगली वीडियो में करेंगे ठीक है चाहे तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं ऐसे ही वीडियो के लिए आप जाएंगे आप पेली सेक्शन में देखिए वहां पे आप आपको स्टेनोग्राफी से रिलेटेड प्लेस बना दूंगी मैं वहां पे जो भी स्टेनोग्राफी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट रहेंगे आपके आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि ये सीरीज बनाई जाएगी कि नहीं बनाई जाएगी ठीक है तो आपको रिस्पॉन्स जैसा रहेगा उस हिसाब से बनाई जाएगी और जो भी सारी चीजें होंगी जितनी मेरे पास नॉलेज होगी जितनी मैंने लोगों से बात की है जो की इस एग्जाम में निकल चुके हैं वो जॉब कर रहे हैं तो उस सारों का जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा हम्म तो स्किल टेस्ट आपका ठीक है समझ आ गया कि कैसे होगा क्या नहीं होगा तो आपका जनवरी 2025 तक होगा अंदाजे रख सकते हैं आप फिर उसके बाद आपके आपके फाइनल कट ऑफ देखिए फाइनल कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है फिर से सुनिए फाइनल कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है रीजन क्या है क्योंकि कट ऑफ तब बढ़ेगी ना जब बहुत सारे कैंडिडेट शॉर्ट हैंड में पास हो जाएंगे वो शॉर्ट हैंड में पास ही नहीं होते वो स्किल में पास ही नहीं होते तो सारा खत्म हो जाता है फिर कॉम्पिटिशन रहता है फाइनल कट ऑफ में तो अगर आपके मार्क्स का थोड़ा बहुत ठीक ठाक स्कोर कर लेते तो आप इसमें एग्जाम में निकल सकते हैं ठीक है तो एक ही चीज आपको पहले आपको अपना पेपर देने जाना है फिर आपको स्किल टेस्ट देने जाना है फिर आपको बस रिजल्ट का वेट करना है ठीक है फिर आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे कहां के रहने जो भी जो जो भी भी वेरिफिकेशन वाली चीजें चेक की की जाती है है वो जाएंगी ठीक इतना समझ आया आपको यहां तक अगर ऐसी कोई भी चीजें जो आपको समझ नहीं आई ऐसा भी हो सकता है देखिए बिल्कुल पॉसिबिलिटी प्रॉस, है कि आपने थोड़ा बहुत मिस कर दिया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को देख लें अगर कुछ चीज मिस हो गई तो मैंने उसको क्लियर किया होगा ठीक है तो वो चेक कर लें बाकी यहां तक जो चीजें हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दी है ठीक है यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है कितना समय लगेगा तैयारी करने में ठीक है ये पहले ही मैंने लिख दिया कि कहीं आप कमेंट में में जाके टाइप कर रहे हो मैम टाइमिंग कितना लगेगा आप बता दीजिए मुझे तो पहले ही मैंने इस चीज को लिख दिया यहाँ पे देखिए अगर मैं आपको आ, असलियत बताना चाहूँ ना ही कोई फेक ना ही कोई ऐसा समझ के कि मैं व्यूज के लिए यह सब कर रही हूँ मैं टू द पॉइंट बात करूंगी ठीक है कितना टाइम लगता है वो सच में बताऊंगी देखिए सबसे पहली बात कि हमें इसकी तैयारी में कितना टाइम लगेगा इसके तैयारी में हमें कितना टाइम लगेगा टेस्ट की तैयारी में कितना टाइम लगेगा देखो दोनों को अगर आप साथ में लेके चलोगे दोनों को अगर आप साथ में लेके चलोगे तो आप अप्रोक्सीमेटली बता रही हूँ मैं आपको ये वाला जो पोर्शन है ना ये जो इसकी तैयारी है आप इसे फोर मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं जो आपका सीबीटी वाला है

और अगर कोई बहुत ही ऐसा बच्चा है जो ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसका बहुत ज्यादा वीक है तो चार मंथ से छह मंथ भी जा सकता है ठीक है चार से छह मंथ में आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं सीबीटी की और अच्छा खासा और टाइम भी है अक्टूबर नवंबर में पेपर होने वाला है मान के चलिए नवंबर में होने वाला है आपका पेपर तो अभी हम जैन में है तो बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं ये मत सोचना कि दो महीने पहले उठूंगा तैयारी करूंगा नहीं होगा इससे ज्यादा क्लियर शब्दों में नहीं कह सकती नहीं होगा अगर इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तभी इसको अभी सही करना शुरू कर देना ठीक है अब हम बात करते हैं जो मेन चीज है कि हमें शॉर्ट हैंड सीखने में कितना टाइम लगेगा देखिए शॉर्ट हैंड सीखने में शॉर्ट हैंड सीखने में आपकी जो एवरेज स्पीड आती है आपको देखिए चार मंथ कुछ टेक्निक सीखने में लगते है मतलब बेसिक सीखने में लगता है चार मंथ फिर उसके बाद छह मंथ में आपकी एवरेज स्पीड जाती है और कम से कम आपको आठ से नौ महीने चाहिए होंगे आठ से नौ मंथ चाहिए होंगे कि आप उस स्टेज तक पहुंच जाए कि आप बोल सके कि मैं स्किल टेस्ट पास कर लूंगा ठीक है ग्रुप ग्रेड डी का जो स्किल टेस्ट है वो आपका छह से सात महीने में भी कंप्लीट हो सकता है और जो ग्रेड सी का आपका स्किल टेस्ट है वो आपका आठ से नौ या दस महीने में मैक्सिमम मान लीजिए बल्कि अभी तो आपके पास पूरा एक साल है ठीक है एक साल है इसीलिए वीडियो बनाई जा रही है ताकि अब इसे जो भी इस जॉब जॉकले इंटरेस्टेड है वो अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दे ठीक है तो एक साल है आपके पर मैं आपको मिनिमम टाइम बता रही हूँ फिर आप टाइम के साथ साथ इंप्रूव करते 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 इतना इंप्रूव कर लेंगे कि आपको नहीं लगेगा कि आप स्किल टेस्ट में रहने वाले हैं ठीक है टू द पॉइंट बात हो रही है आपकी फिर आपका क्वेश्चन आता है स्किल टेस्ट में क्या होगा देखिए स्किल टेस्ट में आपका इसके लिए ना मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी ये वीडियो बहुत लेंदी पहुंच जाएगी ना तो आप थोड़ा बहुत रिलेट नहीं कर पाएंगे बहुत ज्यादा लेंथी चल जाएगा जा तो जा 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 और अटेंशन जो होता है ना वीडियो लेंथ देख के वो नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है यहां तक समझ लिया आपने आपको टाइम मैंने बता दिया कितना लगेगा आपका एग्जाम मंथ मैंने डिस्कस कर दिया कि आपको नवंबर में होने वाला है और आपका जो स्किल टेस्ट होने वाला मतलब शॉर्ट हैंड का जो टेस्ट होने वाला है वो आपका जनवरी में होगा अगली जनवरी मतलब कि पूरा एक साल का टाइम है और स्किल टेस्ट रिलेटेड एक डिटेल वीडियो बनाई जाएगी यदि आप कहेंगे तभी ठीक है सैलरी की बात करते हैं अब यहाँ पे मैंने आपकी सैलरी मेंशन कर दी है देखिए यहाँ पे मैंने आपको ग्रॉस सैलरी और इनहैंड सैलरी बताइए कि ग्रॉस सैलरी क्या होगी और आपके हाथ में जब ट्रांसफर की जाएगी तो कितनी होगी अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं कि इसमें आचार्य कितना होता है क्या होता है तो टेलीग्राम में इस वीडियो के बाद वहां पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा जाके चेक कर सकते हैं टेलीग्राम लिंक आपको पिन कॉम में प्रोवाइड कर दूंगी वहां जाइए चेक कीजिए वहां पर मैं आपको शेयर कर दूंगी कितनी सैलरी रहती है ठीक है एग्जैक्टली पूरा सब कुछ तो देखो बात करें कि स्टेनोग्राफर अगर ग्रेड सी की बात करें इसके अंदर 4600 का ग्रेड पे होता है जीपी मतलब ग्रेड पे होता है तो उसके आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है 87,000 के आसपास यहाँ पे एक्जेक्टली नंबर लिखा है आप देख सकते हैं और आपको इन हैंड मतलब आपके बैंक में जो ट्रांसफर की जाती है वो 72 देखो ये होती है आपकी है बट वो होता है ना पीएफ वगैरह कट जाता है वो चीज होती है तो 87,000 आपके ग्रेड सी की आती है जिसमें आप में मैंने बोला कि शॉर्ट हैंड बहुत ज्यादा मांगी जाती है और कट ऑफ भी ज्यादा आती है तो उस हिसाब से अगर आप ज्यादा अच्छी पढ़ाई करने में अच्छे हैं आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी है जो की हो जाएगी एक साल में अगर आप डट के मेहनत कर ले तो आप 87,000 तक की सैलरी ले सकते हैं और आपको इनहैंड आएगी वो 72,000 तक की अब आप आपके स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और 42 पे भी होती है एक 46 ग्रेड पे भी होती है ग्रेड पे भी होती है जिसकी आपकी ग्रॉस सैलरी जो बनती है वो बनती है आपकी सेवनटी के के आसपास और आपकी इनहैंड सैलरी जो आती है वो फिफ्टी सेवन के के आसपास आपको इनहैंड मिलती है ठीक है अब अगर हम स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की बात करें जिसके अंदर कट ऑफ तो भी बहुत कम जाती है ठीक है और दूसरी चीज इसके अंदर शॉर्ट हैंड भी ज्यादा नहीं मांगी जाती है जितनी आपकी ग्रेड सी में मांगी जाती है बता दू एक अंदाजा दे देते चलो आपको देखो ग्रेड सी के अंदर जो मांगी जाती है वो हंड्रेड वर्ड पर मिनट मांगी जाती है और ग्रेड डी के अंदर आपकी एटी वर्ड पर मिनट मांगी जाती है ठीक तो है तो ये आपका स्पीड है ठीक है वो ग्रेड सी के लिए ग्रेड डी के लिए तो यहां तक आप पहुंच सकते हैं वो आपको मैंने बोला जा कि टाइमिंग मैंने आपको बताया कितना लगेगा बेसिक सीखने में फिर उसको एडवांस करने में एडवांस करने में इतना टाइम मैं आपको बता चुकी हूँ तो ग्रेड डी की बात करें तो आपको फिफ्टी वन थाउजेंड के आराम या फिफ्टी टू थाउजेंड के आराम आसपास आपका सैलरी बनती है ग्रॉस की और आपको इन हैंड मिल जाता है फोर्टी थ्री थाउजेंड के आसपास मतलब फिफ्टी टू आपकी के बनती है और फोर्टी थ्री आपको प्रोवाइड कर दी जाती है तो ठीक है आपको आपको सैलरी वाली प्रोवाइड कर दी है यहां से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे, इसको नोट करना चाहे ताकि आपको यही वीडियो बार बार ना देखनी पड़े तो इसको बिल्कुल रोकिए और इसको एक जगह पे लिख लीजिए क्या क्या क्राइटेरिया क्या नहीं है और जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप कहेंगे तो स्किल टेस्ट के ऊपर भी डिटेल वीडियो बना दी जाएगी ठीक है इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दी जाएगी और कुछ और वीडियो जो भी आप सजेशन मांगे जैसे कि कट ऑफ एनालिसिस बताइए मैम कितने सालों में क्या रहा है कितने मार्क्स सेफ जोन होगा ये सारी चीजें भी अगर आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कॉमेंट कर सकते हैं आपके कॉमेंट पर निर्भर करेगा कि ये वीडियो कितनी आगे जाएंगे ये प्ले लिस्ट जो मैं बनाऊंगी वो कितना आगे जाएंगे ठीक है तो मुझे बताना जरूर कैसे लगे आपको ये जानकारी ठीक है और बहुत पहले ही ये चीज़ को प्लान कर लिया था मैंने पूरा से निकाल के रख लिया था क्या क्या चीजें बतानी है क्या चीजें नहीं बतानी है शुरुआत में क्या बता देनी चाहिए ताकि आप पहले अभी से ही प्रिपेयर करना शुरू कर जाए ये जो नया साल आया है इसी में आप प्रिपेयर करना शुरू कर जाए ताकि आप जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें आप एक क्वालिफाइड हो ठीक है तो बस इसके लिए आपको यही सही चीजें करनी है चाहे तो आप मुझे बोल सकते हैं कि इसके ऊपर क्या वीडियो आपको लानी चाहिए क्या मुझे आप मुझे बोलेंगे जैसे जैसा वैसे ही वो चीज आपको प्रोवाइड करती चाहिए ठीक है आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ इसके साथ साथ मैं कुछ प्ले लिस्ट भी बना रही हूँ जोग्राफी प्ले लिस्ट चल रही है मेरी ऑब्वियसली तो अगर आप जीके जीएस के लिए करना चाहते हैं तो वहां मैं उसके लिए प्रोवाइड करती हूँ लिंक अगर आप देखना चाहते हैं मेरी प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को देखिए पढ़िए अगर आपको लगता है कि हाँ आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं जो भी मैं पढ़ा रही उससे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं अदरवाइज आप इस वीडियो को देख के इन्फॉर्मेशन लेके भी जा सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राधे राधे